लाइसेंस बन गया आपका? लाइसेंस बनाया। लाइसेंस कैसे बना आपका? लाइसेंस अब मैं सऊदी में था। कहाँ पे? रियाद में। हाय गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। देखते हैं भाई साहब गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाउस ड्राइवर हैं, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या जवाब दे रहे हैं, बिजी हैं क्या फ़ोन पे क्या नहीं। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोल रहे क्या नहीं, फिर उसके बारे में आप लोग से बताता हूँ क्या हाल चाल है। देखता हूँ। सलाम अलैकुम भाई, सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल है? हिंदी वालों में और वीडियो ना रहा है, कोई दिक्कत नहीं? आपके यानी भी नए हैं, एक साल हो चुका है लगभग? एक साल का एक महीना बाकी है। लाइसेंस बन गया आपका? लाइसेंस बनाया। लाइसेंस कैसे बना आपका? लाइसेंस अब मैं सऊदी में था। कहाँ पे? रियाद में। ये रियाद में थे, सऊदी में? हाँ। यानी कि सऊदी तो मैं भी था अलकसीम में, ये थे भाई साहब रियाद में। सऊदी में कितना टाइम थे आप? सऊदी में 5 साल था। सऊदी में 5 साल थे, हमसे मेरे जैसे, मैं भी 5 साल था, ये भी 5 साल थे। तो सऊदी में कैसा था वहाँ पे हाउस ड्राइवर का? हाउस ड्राइवर है। और वहाँ से यहाँ से कतर के अंदर वहाँ पे और यहाँ में क्या फ़र्क है? ऐसा समझना ये ऐसा, मतलब कि वहाँ ज़्यादा अच्छा था कतर के अंदर कि इधर सच्चा है, ऐसा बोलता है? हाँ। तो उधर से ड्यूटी वो फ्री नहीं है, कतर में थोड़ा फ्री है। यानी का भाई इनका यहाँ पर कहना, तो कतर में सही है हाउस ड्राइवर। हाँ। और सऊदी में ज़्यादा काम ज़्यादा है। सही है। और लाइसेंस बन गया आपका? लाइसेंस सऊदी का रिटर्न है ना, इसलिए बने शेख का, शेखा अगर का ना, इसलिए बना है। तो यहाँ इंटरव्यू दिए थे कैसे? डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, मतलब जिस तरीके से लाइसेंस मेरा बना था, बहुत से लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि भाई आपका लाइसेंस कैसे बन गया। जिस तरीके से मेरा लाइसेंस बना है, वो टेस्ट किया। हाँ? टेस्ट किया, वो लाइसेंस बना है, 6 महीने के बाद में बने। रोज टेस्ट हुआ क्या? भी नहीं है, कुछ टेस्ट नहीं। टेस्ट नहीं है, मतलब जिस तरीके से मेरा लाइसेंस बना उस तरीके से भाई साहब का लाइसेंस बना है, कोई टेस्ट नहीं। वो शेख फल अलता नहीं है ना, ऐसे वो करता है, मतलब कि इनका भी कोई रोड टेस्ट नहीं हुआ ना कंप्यूटर टेस्ट, कोई भी टेस्ट नहीं हुआ, और मेरा भी कोई टेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्ट मुझे लाइसेंस मिल गया है। बहुत से लोग का सवाल था कमेंट में कि भाई आपका लाइसेंस कैसे मिल गया, बिगड़ गए, कतर का लाइसेंस इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो भाई साहब भी बैठे हैं, इनका भी लाइसेंस इसी तरीके से मिला, कोई टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट लाइसेंस मिल गया आपको। लाइसेंस सऊदी का लाइसेंस देके लाइसेंस मिल गया आपको? सऊदी का लाइसेंस वो दिया, वो बनाया हमको दिया बस। मतलब कि जिस तरीके से मेरे साथ हुआ सेम उसी तरीके से इनके भी साथ हुआ, मतलब को कपिल को दिया लाइसेंस सऊदी का और दूसरा लाइसेंस कतर का मिल गया। वो फौरन है, शेख करता नहीं है ना, इसीलिए वो दिया, इस तरीके से मिल गया। मैं हमारा ओरिजिन लाइसेंस है सऊदी का, इसीलिए। तो इंडिया से आप कैसे आए थे, मतलब कि कोई वीजा दिया था? ओ, हमारा फ्रेंड है इधर से। चलो, इधर कोई आपका दोस्त था? दोस्त है, फ्रेंड, मतलब वीजा दिया आपको? वीजा दिया। सऊदी में कोरोना टाइम को जाया, वापस नहीं जाया था, वैक्सीन को मारा लेट हो गई, वीजा कैंसिल हो गई, इसीलिए इधर आया। मतलब ये सऊदी में थे, वहाँ पर चले गए कोरोना के बीच में इंडिया। हाँ। वहाँ पर फंस गए, फिर सऊदी रिटर्न नहीं जा पाए। हाँ। उसके बाद यहाँ से इनका दोस्त वीजा दिया, वीजा से वहाँ से केरला से ये आए, यानी कि भाई साहब केरला से, इंडिया से, और हम भी केरला से हैं, वो इंडिया से हैं, सॉरी मुंबई से, तो ये वहाँ से हैं और हम मुंबई से हैं, केरला, केरला, ये केरला से हैं भाई साहब, इंडिया से। तो इनका यहाँ पर दोस्त जो वीजा दिया है, मतलब कि उससे उस हिसाब से आए, मतलब कोई ऑफिस नहीं ना किसी दलाल के जरिए से, सीधा ये ऑफिस उससे दोस्त वीजा दिया है, दोस्त के जरिए से कतर आए हो, मतलब कि आपका सदीक वीजा दिया उससे आए हो ना? उससे दिया, दिया। तो पगार कितना आपका यहाँ पे? पैसा, सैलरी, सैलरी, सैलरी 1500 है बस। सैलरी 1500 है, 1500 जितना सैलरी मेरा भी है उतना सैलरी भाई साहब का भी। खाना वाना फ्री है? खाना 3 पीरियड टाइम फ्री है। सैलरी 1500 है और खाना फ्री है, यानी कि 1500 रियाल सीधा तो पूरा बच जाता है। उधर 2000 था रियाद में, वो खाना 300 जाएगा, 1700 मिलेगा, मतलब कि 1700 रियाल वहाँ इनका बच जाता था, 300 रियाल खर्चा होता था सऊदी में खाने का, फोन का लेके 300 रियाल खर्चा हो जाता था, 1700 रियाल बचता था। इधर रूम में वाईफाई है, उधर वाईफाई है, मतलब कि हाउस ड्राइवर में यही सभी, मतलब 2000 तक लगभग बच जाता है, जो ज़्यादा ज़्यादा इधर पैसा का सामान का पैसे ज्यादा है, उधर थोड़ा कम थी। हाँ, सऊदी में सस्ता है, इधर महंगा है, महंगा है इधर पे सामान, महंगा है कोई भी सामान। सही है। तो इसी तरीके से मतलब कि यहाँ पर पगार भी उसी हिसाब से कम है भाई साहब की, यहाँ 11 महीना हो गया और सऊदी में पगार ज्यादा था, और वहाँ पर पैसा बचता भी था, वहाँ पैसा बचता क्योंकि पगार ज्यादा था। बरकत है सऊदी में, सऊदी में बरकत है, सऊदी के पैसे में हकीकत में बरकत है भाई, अगर आप सऊदी में काम करते हो। और यहाँ पे आपका 2000 रुपये पगार है ना, जिस हिसाब से पगार रहेगा उसी हिसाब से खर्चा, क्योंकि यहाँ पर सामान का रेट ज़्यादा है।
सामान का कोई भी रेट ज़्यादा यहाँ पर हूँ। यहाँ होटल में खाओगे 400-500 रियाल खर्चा हो जाएगा। वो होटल में कहेगा पक्का है 500-600 खर्चा हो जाएगा। और सऊदी में अगर आप होटल में खाते हो 200 रियाल में आपका हो जाएगा 200 में, तो 200 में आराम से। तो गाइस ये रही छोटी सी वीडियो, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं।